एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारी शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होती है हमारी ये श्रृंखला एक गीत 100 अफसाने। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2000 की फिल्म मेला का गीत देखो 2000 जमाना आ गया। आमिर खान, हरिहरन, लेजर लुइस और साथियों की आवाजें, धर्मेश, दर्शन के बोल और लेज लुइस का संगीत। फिल्म की पटकथा में इस गीत का अवस्थान न होते हुए भी इसे किस आधार पर फिल्म में शामिल किया गया था? फिल्म के औपचारिक गीतकार देव कोहली और समीर तथा संगीतकार अनु मलिक और राजेश रोशन के बजाय इस गीत की रचना धर्मेश, दर्शन और लेज लुइस ने क्यों की? इस गीत को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें डाली गईं। कौन सी थी वो दो बातें जिन्होंने गीत की काया को ही पलट दिया? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं दीपिका भाटिया। निर्देशक धर्मेश दर्शन उन फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने बहुत अधिक फिल्में तो नहीं की, लेकिन अपनी गिनी चुनी फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली कि दशकों बाद भी लोग उन्हें उनकी उन चंद फिल्मों के लिए याद करते हैं। धर्मेश दर्शन ने 1993 से 2006 के दौरान यानी अपने इस 13 साल के करियर में केवल 7 फिल्में लिखी, उन्हें निर्देशित किया और 2-4 गाने लिखे। ये फिल्में हैं लुटेरे, राजा हिंदुस्तानी, मेला, धड़कन, हाँ मैंने भी प्यार किया, बेवफा और आपके खातिर। इनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्म रही राजा हिंदुस्तानी, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म का हर पहलू सुपर डुपर हिट। फिल्म के नायक आमिर खान धर्मेश दर्शन के काम और निर्देशन से अत्यंत प्रभावित हुए। दोस्तों, ये 1996 का साल था, उन दिनों जहां आमिर खान एक तरफ हमेरा ही प्यार की, रंगीला और अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों के जरिए कामयाबी के नित नए मुकाम बनाते जा रहे थे, वहीं उनके भाई फैजल खान का करियर गर्दिश पर दिखाई दे रहा था। इसलिए राजा हिंदुस्तानी की कामयाबी के बाद आमिर को लगा कि उन्हें अपने भाई फैजल के साथ एक फिल्म करनी चाहिए जिससे कि उसके करियर को बूस्ट मिले। फलस्वरूप फिल्म मेला का प्लान बना। निर्माता गणेश जैन, जिन्होंने आमिर के साथ अकेले हम अकेले तुम का निर्माण किया था, वे फिल्म मेला का निर्माण करने के लिए राजी हो गए। निर्देशक के रूप में धर्मेश दर्शन को चुना गया, जो राजा हिंदुस्तानी की कामयाबी से प्रथम श्रेणी के निर्देशकों में अपना नाम दर्ज करवा चुके थे। इस तरह से जब आमिर खान, ट्विंकल खन्ना और फैजल खान के साथ अभिनय से सजी फिल्म मेला की घोषणा हुई तो हर किसी को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें होने लगी। दोस्तों, फिल्म जगत में कब कौन सी फिल्म चल जाए और कौन सी पिट जाए कहा नहीं जा सकता। फिल्म मेला बुरी तरह से असफल रही। धर्मेश दर्शन निर्देशित उन 7 फिल्मों में मेला को सबसे नीचे रखा जाता है। हालांकि इस फिल्म का निर्माण राजा हिंदुस्तानी के तुरंत बाद यानी 1997-98 में ही शुरू हो गया था, पर अब की बार आमिर और धर्मेश की ट्यूनिंग कुछ खास नहीं जमी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों में काफी मतभेद हुए। बनते बनते फिल्म बार बार रुकी और इस तरह से जब फिल्म बनकर पूरी होने जा रही थी तब 20वीं सदी अपनी समाप्ति की ओर था। फिल्म के संगीत के लिए शुरू शुरू में आमिर खान ने A.R. रहमान को अप्रोच किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तब अनु मलिक और राजेश रोशन इस फिल्म में आए। कमरिया लचकेरे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे
ये दो गीत राजेश रोशन ने कंपोज किए, जबकि बाकी सभी गीत अनु मलिक के रचे हुए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक पूरा हो चुका था, पर जैसे जैसे फिल्म का निर्माण पूरा हो रहा था, साल 1999 बीचों बीच आ चुका था। फिल्म के रिलीज की तारीख साल 2000 के प्रथम सप्ताह की तय हुई। नई शताब्दी, नया मिलेनियम, जिसकी चर्चा उन दिनों खूब चल रही थी। आपको याद होगा Y2K प्रॉब्लम वाली वो तर्क वितर्क, जिसमें ये चिंता जताई जा रही थी कि नई शताब्दी के शुरू होते ही विश्व के सारे कंप्यूटर विफल हो जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा। साल 2000 के आगमन के ऐतिहासिक क्षण को धर्मेश दर्शन अपनी इस फिल्म में कैद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नए साल के गीत। इस प्रकार फिल्म की कहानी में आवश्यकता ना होने के बावजूद एक अतिरिक्त गीत जबरदस्ती का डाला गया, और दोस्तों वो गीत है देखो 2000 जमाना आ गया। इस गीत के लिए धर्मेश दर्शन ने कलम खुद ही चलाई। बतौर गीतकार वे इसके पहले 1993 की फिल्म लुटेरे के लिए 3 गीत लिख चुके थे, जिनमें से ए सावन बरस जा, ए बादल गरज जरा मीलता मंगेशकर की आवाज थी। फिल्म मेला के शीर्षक गीत मेला दिलों में आता है एक बार में भले उनका योगदान रहा हो, फिल्म के सारे गाने देव कोहली और समीर ने ही लिखे थे। लेकिन जब अचानक इस नए साल के गीत की जरूरत आन पड़ी तो बहुत कम समय बचा था, तब धर्मेश दर्शन ने खुद ही इस गीत को लिख डाला। दूसरी तरफ संगीतकार अनु मलिक और राजेश रोशन भी इस फिल्म के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके थे और उनका काम पूरा हो चुका था। ऐसे में ये अतिरिक्त गाना कंपोज कौन करे, क्योंकि धर्मेश दर्शन इस गीत के लिए कुछ तड़कता भड़कता संगीत चाहते थे, और गायकी भी ऐसी कि जो प्रचलित पार्श्व गायकों की आवाजों से बिल्कुल हद के हो। उनकी नजर पड़ी लेज़ली लुईस पर। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म जगत के इतने सारे संगीतकारों और गायकों के रहते हुए आखिर लेज़ली लुईस का ही नाम उन्हें क्यों सूझा, है ना? बात दरअसल ऐसी थी कि उसी साल यानी 1999 में लेज़ली लुईस की दो उल्लेखनीय कृतियां जारी हुई। इनमें पहला था गायक केके का पहला इंडी पॉप एल्बम पल, जिसमें संगीत लेज़ली लुईस का था। इस एल्बम के आपकी दुआ है, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, और प्यार के पल पलक झपकते ही जवा दिलों की धड़कने बन गए। केके की दमदार और ताजगी भरी दिलकश आवाज में रॉक शैली के इन गीतों ने धूम मचा दी। उसी साल यानी 1999 में फिल्मकार नागेश कुकुनूर ने अपनी अंग्रेजी फिल्म रॉक फोर्ड के संगीत का दायित्व भी लेज़ली लुईस को ही दिया था। इस फिल्म के गीत संगीत के साथ भी लेज़ली लुईस ने पूरा पूरा न्याय किया। साउंड ट्रैक में केके के साथ उनके गाए यारों दोस्ती को जगह दी गई। साथ ही उन्होंने गायक हरिहरन के साथ फील सो गुड में भी आवाज मिलाई। शंकर महादेवन की आवाज में आसमान के पार को भी सुनने वालों ने पसंद किया। धर्मेश दर्शन जो अपनी फिल्म के न्यू ईयर सॉन्ग के लिए एक जबरदस्त धमाकेदार गीत की योजना बना रहे थे, उन्हें लगा कि लेज़ली लुईस ही उस समय के सबसे काबिल संगीतकार और गायक हैं जो वो काम उन्हें करके दे सकते हैं जिसकी वे कल्पना कर रहे थे। बस फिर क्या था, नए साल के गीत के लिए गीतकार धर्मेश दर्शन तथा संगीतकार व गायक के रूप में लेज़ली लुईस फाइनल हुए। लेज़ली लुईस ने इस गीत के लिए एक धमाकेदार कंपोजिशन बनाई। धर्मेश दर्शन ने बोल लिखे, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके इन्हें का बहाना आ गया, बच के रहना, हाँ
दीवाना हूं मैं, अंतरे लिखे गए उनकी धुन बनी। लेस्ली लुईस ने अपने दमदार अवाज में इसे गाया ठीक वैसे जैसे धर्मेश दर्शन चाहते थे कि आमिर खान के चेहरे पर जो आक्रोश है वही आक्रोश गायक की आवाज और गायकी में भी झलकना चाहिए। लेस्ली लुईस इस पर खरे जरूर उतरे, लेकिन जाने गीत में कौन सी कमी थी जो धर्मेश दर्शन और आमिर खान दोनों को खटक रही थी? गाना सही लिखा गया था, धुन भी आकर्षक बनी, गाया भी बहुत अच्छा गया, लेकिन कुछ कमी सी नजर आई कि मानो गाने में आत्मा ना हो या फिर एक्स फैक्टर मिसिंग हो। काफी विचार विमर्श के बाद इस गीत पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय ये कि गीत के शुरू में आमिर खान की आवाज में कुछ संवाद रखे जाए। फिल्म में इस गीत का अवस्थान उस जगह रखा गया जब खलनायक गुज्जर सिंह की भूमिका में अभिनेता चिनू वर्मा, रूपा यानी नायिका ट्विंकल खन्ना के उद्देश्य से ऐलान करते हैं, गुज्जर का नाश करने चली थी, इस धरती पर वो मर्द नहीं जना जो गुज्जर का सर्वनाश कर सके। और तभी सीन बदल जाता है और आमिर खान की चीख सुनाई देती है। इस गीत का सूत्रपात होता है, चीखते हुए आमिर खान ऊपर से स्टेज पर आ गिरते हैं, प्रिल्यूड म्यूजिक शुरू होता है। स्टेज पर अपने आप को संभाल कर आमिर खान आक्रोश भरा चेहरा और आवाज दिए बोल पड़ते हैं, मैं आया दीवाना, मैं आया मस्ताना, जलता हूं हर पल में, मैं ही हूं परवाना, किसने मुझे पुकारा है, किसने है ललकारा, आया हूं धरती पे किस्मत का मैं तारा। दोस्तों, आमिर खान ने ये पंक्तियां जिस तरह से गाई हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस या रावण गा रहा हो। खैर, गीत में आमिर खान की आवाज की बस इतनी ही भूमिका रही। इसके बाद प्रिल्यूड म्यूजिक जारी रहता है जिसमें हमें वही जानी पहचानी धुन सुनने को मिलती है जो जुम्मा चुम्मा दे दे गीत में सुनने को मिली थी। याद है ना आपको मोरी कांते का मशहूर गीत तामा तामा, जिसके आधार पर जुम्मा चुम्मा दे दे और तम्मा तम्मा लोगे गीत बने थे। उसकी धुन का छोटा सा इस्तेमाल फिल्म मेला के इस गीत में भी हुआ। खैर, स्टेज के बैक स्क्रीन पर 1999 और मिलेनियम 2000 बारी बारी से फ्लैश हो रहे हैं और कोरस कंठ में गूंज रहा है, मिलेनियम इट्स अ न्यू वर्ल्ड। रात के ठीक 12 बजते ही 1999 की संख्याएं टूट कर चकनाचूर हो जाती हैं और मिलेनियम 2000 स्क्रीन पर स्थिर हो जाता है और उसके सामने आमिर खान की फिर एक बार धमाकेदार एंट्री होती है। गीत शुरू होता है लेस्ली लुईस की कड़क अंदाज में, देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया। फिर अगली लाइन, मिल के जीने का बहाना आ गया, लेकिन ये क्या, ये तो लेस्ली लुईस की आवाज नहीं लगती। हालांकि दो आवाजों में फर्क कर पाना आसान नहीं, लेकिन बहुत गौर से सुनने पर पता चल जाता है कि दो आवाजें बारी बारी से गा रही हैं। और दोस्तों, यही था इस गीत का दूसरा एक्स फैक्ट। लेस्ली लुईस के खास दोस्त थे गायक हरिहरन। आपको याद होगा दोनों की जोड़ी कॉलोनियन कजन्स के रूप में खूब मशहूर हुई थी। इस जोड़ी की बात यह है कि दोनों की आवाजों में वैषम्य यानी कंट्रास्ट तो है, लेकिन साथ ही दोनों की आवाजें कई बार यूं आपस में घुल मिल जाती हैं कि सुनने वालों के लिए फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। और इसी बात का फायदा आमिर खान पर फिल्माए इस गीत में मिला। एक तरफ लेस्ली लुईस का रफ एंड टफ रॉक स्टाइल और दूसरी तरफ हरिहरन की आवाज में क्लासिकल टच, पर दोनों की
टोनल क्वालिटी और टेक्सचर को यूं एडजस्ट किया गया कि गीत सुनते ही आप दो आवाजों में फर्क तो शायद कर लेंगे, लेकिन एक ही अभिनेता पर दोनों आवाजें एक ही गीत के अंदर फिल्माए जाने के बावजूद आपको अटपटा नहीं लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि हैरी हरन और लेस्ली लुइस की आवाजें यूं घुल मिल गई हैं कि आमिर खान के होठों पर बार बार बदलती हुई ये आवाजें दर्शकों और श्रोताओं को नहीं खटकी, और इस तरह से ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि किसी अभिनेता पर एक ही गीत में दो गायक पूरा गीत बारी बारी से गा रहे हों। गाना फिल्माया तो गया केवल आमिर खान पर, लेकिन आवाजें ली गई तीन, आमिर खान, हरिहरन और लेस्ली लुइस की, और साथ देने के लिए कोरस तो था ही। गाना जब रिकॉर्ड हुआ सभी को बहुत अच्छा लगा। गाना किसी मामले में कमतर नहीं था। न्यू मिलेनियम साल 2000 की 7 जनवरी के दिन शुभ मुक्ति मिली फिल्म मेला को, लेकिन अफसोस की बात कि फिल्म पूरी तरह से असफल रही। फिल्म के गाने जरूर चले, लेकिन एक वक्त के बाद श्रोताओं ने उनसे भी किनारा कर लिया। आज अगर हम इस गीत को फिल्म के बाहर सुने तो महसूस कर सकते हैं हरिहरन और लेस्ली लुइस की कमाल की जुगलबंदी, कि किस तरह से दोनों के वैषम्य का फ्यूजन करके एकाकार कर दिया गया, और गीत में जिससे कि एक ही अभिनेता पर गीत फिल्माया जा सके। और इस बात के लिए इस गीत की रचना प्रक्रिया से जुड़े सभी कलाकार बधाई के पात्र बनते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।